मुंबई की राजनीति के लिए खबर बहुत बड़ी है। सूत्र दावा कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व सांसद मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष रहे संजय निरुपम, चुनाव लड़ने का सपना उनका टूट गया है। कांग्रेस ने संजय निरुपम के दावे वाली सीट उत्तर पश्चिम मुंबई पर दावा ही छोड़ दिया है। संजय निरुपम पिछले कई दिन से सोशल मीडिया के जरिए नाराजगी भी जाहिर कर रहे थे। अब फाइनली सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं कांग्रेस ने यह सीट शिवसेना उद्धव गुट के लिए छोड़ने का फैसला किया है। ठाकरे की जिद के सामने कांग्रेस ने घुटने टेके हैं। मुंबई की 6 में से 2 सीट सिर्फ कांग्रेस को मिलेगी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त जुड़ रहे हैं और जरा जानते हैं सूरज से कि आखिरकार शिवसेना उद्धव गुट से नहीं जीत पाई कांग्रेस पार्टी और इसका नुकसान सीधे सीधे संजय निरुपम को इस रूप में होता हुआ कि दावेदारी ही उनकी खत्म हो गई है। ऐसे में अगला कदम क्या हो सकता है संजय निरुपम का, सियासी गलियारों में क्या चर्चा है सूरज? जी बिल्कुल, देखिए चर्चा तो बहुत सारी है लेकिन उसमें से जो प्रमुख चर्चा ये है कि संजय निरुपम को पूरा विश्वास था कि इस सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे लगातार दबाव बनाए हुए थे और उनकी जिद के आगे ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने घुटने टेक दिए और फाइनली ये सीट उद्धव ठाकरे के लिए छोड़ दी, जहां से गजानन कीर्तिकर के बेटे खड़े हो सकते हैं चुनावी मैदान में और महाविकास आघाड़ी का चेहरा हो सकते हैं। और रही बात जो सियासी हलकों में जो बातचीत है वो ये कह रही है कि संजय निरुपम अगर यहां से दावेदारी उनकी नहीं बन पाती, उनको टिकट नहीं मिल पाता तो शायद कांग्रेस का दामन वो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस पर किसी भी तरह की पुष्टि नहीं है। तो कहानियां कई हैं, बातें कई हैं, लेकिन दे रहे हैं इसमें कि एक बात में चर्चा इस बात को लेकर है कि संजय निरुपम कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं, हालांकि औपचारिक तौर पर कोई कुछ नहीं कह रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।